अभी भी क्या नहीं ना दिख गया मतलब है नहीं बिक रही। कौन किस आपका है क्या नाम है आपका क्या नाम है कहाँ से आते हो कौन सा आलू है ये है ख्याति है कितने पैकेट हैं आपके पास 79 की लाट है। ये भैया एक किसान है और ये नबीगंज के किसान हैं जो कि छिबरा मुँह के रघुपत कोल्ड स्टोर में इनका आलू रखा है ख्याति आलू है और अभी इन्होंने दिखाया है अभी बिका नहीं दादा क्यों क्या बताया उन्होंने कितना बताया आपने कितना बताया सवा 500 रुपये बचत देंगे आपने 500 उन्होंने कितने बताई सवा 525 अच्छा आपने 580 मांगे और वो 525 रुपये के कह रहे हैं अच्छा अच्छा तो अभी फ़िलहाल में ये देखो क्या है कि अभी रघुपत कोल्ड स्टोर में आलू की कटाई हो रही है यहीं पे व्यापारी भाई भी मौजूद है और किसान लोग भी मौजूद हैं एक सैंपल दिखाया गया था इसका भी बिक्री हुआ नहीं है बाकी जितना आलू सफ़ेद कटा हुआ है उतना ही लाल कटा है और अभी भाव पता करेंगे क्या क्या भाव में आलू बिक रहे हैं ये न्यू हाईलैंड कटा पड़ा है बाकी उधर भी मतलब कटाई होके ग्रेडिंग होके मतलब कट्टों में पैक कर दिया गया है ऊपर बरामदे में भी है क्या बिल्कुल खाली साइलेंट चल रहा है मामला क्यों तो ये आलू व्यापारी हैं जो कि ये रघुपत कोल्ड में ही मतलब काम करते हैं साहब क्या नाम आपका उमेश चंद क्या पोजीशन है साहब आलू की पोजीशन 500 से 550 रुपया सफ़ेद हाँ और 600 रुपये लेके 650 रुपये तक हालैंड जो 650 हालैंड है उसकी भर्ती 55 किलो और नंबर एक क्वालिटी 55 किलो भर्ती 55 किलो कहाँ मिलेगी बड़ी मुश्किल 53 किलो तो वो 650 तक बस है अच्छा अच्छा निकासी कैसी हो रही है अभी निकासी भी 15% अच्छा अच्छा पूरे कन्नौज जिले में तो निकल गया 16-17% कन्नौज जिले में 16-17% इनका अनुमान है बाकी अभी आप लोगों को हम जो भी रिपोर्ट है क्लियर कर देंगे कितना परसेंट निकासी हुआ है और आलू का जो भाव है अच्छा साहब सब लोग कह रहे हैं बारिश हो रही है और बारिश में आलू के दाम में उछाल आ रहा है तो अभी यहाँ तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है उछाल के बारे में उछाल नहीं कोई ऐसी डिमांड नहीं अच्छा बाहर की मंडियों में क्या कैसी डिमांड है वैसे चल रहे हैं अच्छा लोग सोच रहे हैं कि अब आलू का दाम मतलब बढ़ेगा या घटेगा आपके हिसाब से अब आलू का दाम बढ़ेगा क्या कहाँ से बढ़ेगा समय कम है माल ज़्यादा हाँ मतलब समय कम कितना समय रह गया अभी अब भाई समय है लेकिन माल तो ज़्यादा है अभी इसी को 2-2.5 महीने बचे अरे 2-2.5 नहीं हम तो मानते देखो इसको जुलाई ख़त्म कर दे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हम 4 महीने मानते 2.5 महीने नहीं गुमराह मत हो 4 महीना है 4 महीने हैं 4 महीने में 1,00,000 पैकेट मतलब कम से कम 1,10,000 बिक्री का है इसी कोल्ड अच्छा बीजा का कितना होगा समथिंग बीजा कै परसेंट चला जाता है बीजा खाने में कहा जाएगा फिर बोया कहा जाएगा बीजा भाई जो है 70-75 हज़ार बोरी से ज़्यादा नहीं जाता अच्छा अच्छा तो ऐसा आपके हिसाब से मतलब किसान ये सोच रहे हैं आलू भी बेचें या रखें या टाइम है तो उसमें क्या है टाइम है मतलब ऐसा वो लोग सोच रहे हैं कुछ लोग तो ये कह रहे हैं भैया 20 रुपया बढ़िया है उन्हें मिले फायदे ना उसमें क्या दिक्कत है आलू है इसकी कौन जानती है क्या है क्या कदा क्या बता रहे ये कुदरती चीज है मैं कोई जान नहीं बता आलू भाई जब किसान 1,000 रुपया ले तो बेचारो 300 रुपये और हम लोग अपने पड़ता के हिसाब से मांगते हैं आपका बाहर जितनी डिमांड होती है आपको चाहिए होगा तो आपका खुद का रखा है या आप खरीद खरीद के भेजते हैं अच्छा ऐसा लोग कह रहे हैं कि मतलब ये व्यापारी लोग हैं ना एक चाल चलते हैं अपना मतलब एक दो गाड़ी महंगी खरीद लेते हैं और पर्चियां सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि महंगा आलू हो गया तो किसान रुक जाते हैं अपना माल धीरे धीरे करके वो निकाल लेते हैं व्यापारी लोग 650 रुपये लेते कहीं हाल दम नहीं करते लोग पूछे चलो बताओ कौन सी मंडी से ले 650 ले लें दाम नहीं मतलब कपड़ा उतारवाए
समझ लो किसी मंडी में ले जाओ, बिहार ले जाओ चाहे झारखंड, तो ये लोग ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? तो फिर भाई बात का बताई जाए तुम्हें, का कौन का कर दो लिख का दो 54-55 किलो। अच्छा ये तो अभी फिलहाल में और कोई आलू की बिक्री यहाँ नहीं हो रही है। बाकी हमारे हिसाब से क्या है कि आलू की जो कटाई है और डिमांड है वो बिल्कुल सेम बनी हुई है, और ना ही तो आलू के दाम में कोई गिरावट आया है और ना उछाल। अभी कहा जा रहा है कि आलू के दाम में गिरावट आ गया है, लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं है कि आलू के दाम में गिरावट आया हो, अभी गिरावट नहीं है। बाकी जो इस भाव में आलू बिक रहे हैं वही भाव में बिक रहे हैं, क्वालिटी के अनुसार, मतलब जो ऐसी क्वालिटी होगी वैसा माल बिकेगा। और अभी फ़िलहाल में हम लोग चल रहे हैं मैनेजर साहब के पास और बातचीत करते हैं उनसे, जानते हैं कि आलू उनके कोल्ड से क्या क्या भाव बिक रहे हैं और उनके कोल्ड में निकासी कै परसेंट हुई है। तो अभी चलेंगे सीधा, और उससे पहले आप लोग बरामदे का व्यू देख लीजिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी आलू के दाम में गिरावट नहीं आया है, बस इस वीडियो में यही एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी यहाँ पे बारिश जो है आ जाती है और चली जाती है, कोई पता नहीं चलता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये वाला मेरा बाइक खड़ा है, कुछ मतलब इधर भी कुछ कट्टे काटे गए हैं, उसकी भी ग्रेडिंग वगैरह काम चल रहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हो इधर भी मतलब काम चल रहा है। तो ये हमारे साथ रघुपत कोल्ड स्टोर के मैनेजर सर जी हैं, और अभी क्या पोजीशन है साहब अपने कोल्ड की? पोजीशन बहुत खराब है। क्या खराब पोजीशन है? आप कभी भी मतलब जब देखो तब खराब ही बताते रहते हो, क्या खराब हो गया बताइए सर? किसान आ नहीं रहे? अभी दो तीन किसान थे तो बेचो नहीं चाह रहा है। अच्छा अच्छा क्या क्या भाव बिच रहे हैं? अगर बिच रहे हैं तो लाल 37-97 और सिंदूरी अच्छा अच्छा निकासी कितनी हो गई? प्रेकॉर्ड कितनी हो गई होगी? 25,000 बोरी। अच्छा दाम वाम बढ़ने का उम्मीद है या नहीं? नहीं। कैसे कह रहे नहीं बढ़ेगा, मतलब इसका कार्ड बिचवाल नहीं आ रहा है, बिचवाल आएगा तब तो डाउन होगा। अच्छा बढ़ता होगी तो बढ़ जाएंगे, जल्दी आलू बढ़ेगा, जल्दी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा